मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इन दिनों जिलों में वनवासी लीला का मंचन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश की टीमों के द्वारा वनवासी लीला में निषाद राजगुह, शबरी लीला और लक्ष्मण चरित का मंचन विभिन्न जिलों में मंचों पर किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ रहे हैं। बीते दिनों निवाड़ी और टीकमगढ़ में भी इसका मंचन किया गया, जिसमें छतरपुर के कलाकारों ने अपनी भव्य प्रस्तुति दी। छतरपुर के कलाकारों द्वारा इस मंच पर शबरी चरित का मंचन किया गया, जिसमें शबरी के बाल्यकाल से लेकर मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचने और उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने तक की लीला का वर्णन है। इस बीच में सीता का अपहरण और अन्य दृश्य भी मंचों में दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। इस प्रस्तुति के निर्देशक अंजलि शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 कलाकारों की टीम से सजा ये मंचन लोगों के लिए एक नया अनुभव देता है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा ये प्रस्तुतियां विभिन्न जिलों में कराई जा रही हैं, जिसमें आगामी दिनों में 24 और 25 तारीख को ये प्रस्तुतियां अशोकनगर और गुना जिले में भी की जाएंगी।